तो आज के दिन है ना सीएस का न्यू रैंक सीजन आने वाला है और आपको ये तो पता ही होगा कि रैंक पुश करने में स्किल कितनी मैटर करती है। तो आज की वीडियो में हम इसलिए टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपने रोल के हिसाब से यूज करके अपनी रैंक को हीरोइक टू ग्रैंड मास्टर इजीली कर सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर अंदर। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने आज तक खुद ने ग्रैंड मास्टर नहीं करी। हाँ, तो ग्रैंड मास्टर से मुझे एक चीज याद है कि हम न्यू सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम है ना अपनी रैंक को पुश करने की ट्राई करेंगे ग्रैंड मास्टर तक, बट हम उसमें ना पूरे मैच में ना मेडिकेट या फिर सुपर मेडी वगैरह या फिर इनहेलर कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज मैं ट्राई करूंगा अगर हो जाए तो। बस आपको यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो अपन चलो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हमारे रशर्स के लिए आता है जिसमें हम है ना एक्टिव स्किल में लेंगे तासुया, और वहीं हम फर्स्ट पैसिव स्किल में लेंगे लूना जो कि हमारे रेट ऑफ फायर को बढ़ा देगा, ठीक है। और उसके बाद अपन लेंगे सेकंड स्लॉट में कैली जो कि अपनी मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देगी, और थर्ड में अपन को लेना जोटा। आप थर्ड की जगह कुछ और भी ले सकते हो पर जहां तक वो जोटा ही लेना, ठीक है, क्योंकि अपन को रश करना है और रश करते अपन जैसे एक बंदे को डाउन करेंगे तो अपन को कुछ एचपी मिलती है, तो जोटा इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट है। तो अपन को एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मिल तो गया, बट इसे हमें ना गेम में कहां यूज करना है उसको अपन आने वाली क्लिप्स में देखेंगे। तो चलो बढ़ते अपन फर्स्ट गेम की तरफ। ये वाला राउंड है ना क्लॉक टावर पे बना था और मैं ना यहाँ पे सीढ़ियों पे आके ना अपनी स्किल को यूज करता हूँ, और जैसे ही आगे की तरफ जाता हूँ यहाँ पे ना तीन चार बंदे आ रहे होते हैं जिसको आराम से मैं एक को तो डाउन कर लेता हूँ हेडशॉट से, और फिर वो बंदा है ना ग्लू लगा लेता उस साइड। तो मैं ना अंदर की तरफ से जाता हूँ, मुझे दिखता है कि वो धीमती लगा के बैठा है, तो पर मैं फायर करता हूँ तो एक बंदा और डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कि मैंने ना गेम के स्टार्टिंग में ना दो बंदे डाउन कर लिए, तो आपको भी है ना जो भी आपका राउंड स्टार्ट हो आपको ना दोनों की दोनों अगर एक चार्ज हो तो एक यूज कर लेना, अगर दोनों चार्ज हो दोनों यूज करके इजीली रश कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे भी रश करके आराम से इस बंदे को भी बॉडी से फिनिश कर दिया। तो अगर आप ना रशर हो तो आपके लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। बस आपको कुछ नहीं करना, राउंड स्टार्ट होते ही आपको दो या एक बार अपना तासियो यूज करके आपको इजीली एक या दो डाउन तो निकल ही जाएंगे। तो अब चलो अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको मेडिकेट वगैरह मारने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में अपन यूज करने वाले के कैरेक्टर का, और अपन पैसिव स्लॉट में सबसे पहले यूज करने वाले फोर्ड का जो कि अपन को डैमेज पड़ते ही अपन को 30 का हील वापस दे देगा इंस्टेंट, और सेकंड स्लॉट में अपन यूज करने वाले मिग्यूल का। मिग्यूल के बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपने क्रोनो के साथ इसको यूज किया ही होगा। और थर्ड स्लॉट में अपन यूज करने वाले लियोन कैरेक्टर का। लियोन कैरेक्टर भी फोर्ड कैरेक्टर के जैसे ही काम करता है, बट इसमें छोटा सा चेंज ये है कि ये ना अपन को धीरे धीरे करके 5-5 करके एचपी देता है। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए जो ज्यादातर है ना मेडिकेट वगैरह यूज नहीं करते और वो सीधे रश करने का ट्राई करते हैं, तो ये कैरेक्टर उनके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आओ अपन इसे ना गेम में यूज करके देखते हैं कि अपन इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो आओ अपन बढ़ते अपने फर्स्ट क्लिप की तरफ। यहां पे ना अंदर की तरफ बंदा होता है जिसे मैं नेड कू करके फेंकता हूं, जितने में मुझे ना बगल से कोई एक बंदा मारता है जो मेरी एचपी देखो कितनी कम कर देता है, और जो है ना मैंने नेड फेंका था उससे भी वो बंदा डाउन हो जाता है इजीली। तो आप ना यहां पे मेरी ना एचपी की तरफ देखो कि एचपी देखो मेरी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। जैसे मैं ऊपर की तरफ आता हूं यहां पे एक और बंदा होता है जिसे मेरी टीममेट आराम से हैंडल कर लेते हैं, और फिर बचा होता है लास्ट का एक बंदा। जैसे मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो वो मुझे पीछे से फायर देता है, तो मैं उसको ना एक ना ओम का शॉट मारता हूं, और देख देखते हैं ना हम याला राउंड भी इजीली जीत जाते हैं। तो यहां पे मेरी एचपी देखो, मैं बिना मेडिकेट मारे इजीली वाला राउंड विक्ट्री करा देता हूँ। तो ये एक और क्लिप है जिससे ना इस कैरेक्टर का कैसे यूज होता है वो पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं पीछे से आराम से डाउन कर लेता हूँ, और एक बंदा मेरे पे रश करता है जिसको भी मैं आराम से डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एचपी देखो आराम से ना रिकवर हो रही है इजिली, और सामने एक बंदा था जिस पे मैं फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ और देखते देखते ना वो बंदा भी डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही देखते देखते हम ये वाला मैच भी इजिली विन कर लेते हैं। तो बढ़ते हम हमारे थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में ना आपको ना 300+ एचपी मिलेगी, तो आपको ना एक्टिव स्किल में लेना है जेन कैरेक्टर, और वहीं आपको ना फर्स्ट पैसिव स्लॉट में लेना है एंटोनियो जो कि आपको ना कुछ शील्ड पॉइंट प्रोवाइड कराता है जो कि ऐसे एचपी ही काउंट होती है, और सेकंड पैसिव स्लॉट में लेना है अपन को शाइनी। इसका यूज ये है ना कि ना जब भी आप ना अपनी एक्टिव स्किल को यूज करोगे तो ये आपको ना शील्ड पॉइंट प्रोवाइड कराएगी कुछ, और ये शील्ड पॉइंट भी आपके ना एचपी में ही काउंट होते हैं। और थर्ड स्लॉट में अपन को यूज करना है लुकेटा का, और इसका यूज ये है कि जब भी आप ना दो किल कर लोगे तो आपको ना 50 एचपी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो अपन बढ़ते अपनी क्लिप्स की तरफ। तो यहाँ पे ना राउंड स्टार्ट होते ही ना बंदे ना हम पे रश करते हैं, जितने मैं ना एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ और सामने दो बंदे और होते हैं जिसके ऊपर है ना मैं अपनी ना एक्टिव स्किल यूज करके ना रश कर देता हूँ, तो एक बंदा मेरे टीम में डाउन कर लेते हैं और एक बंदे को मैं इजीली डाउन कर लेता हूँ। तो आपको भी ये कैरेक्टर स्किल है जब यूज करना है जब या तो आपके पास रश आ रहा हो या फिर आप किसके ऊपर रश कर रहे हो, तो तभी आपको ना ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करेगा। तो आपको जब ये चीज यूज करनी है तो मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको ये कब यूज करना है। तो देखो यहाँ पे ना हम पे ना दो बंदे रश कर रहे होते हैं, जब भी मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ मैं ना यूज कर लेता हूँ अपनी स्किल, तो देख देखते मैं ना इन दोनों बंदों को भी डाउन कर लेता हूं। और फिर मैं जैसे ही अंदर जाता हूं अपने टीममेट को रिवाइव देने, तो ना यहां से एक और बंदा आता है जो मुझे डैमेज देता है, तो है ना इसको भी देख देखते ना मेरे टीममेट इजीली फिनिश कर लेते हैं, और देख देखते हम ये वाला मैच भी इजीली विन कर लेते हैं। तो आप भी ना एक बार इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जरूर से ट्राई करना, मुझे अभी तक का ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा। तो बढ़ते हम हमारे फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ।
तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ना सपोर्टर्स के लिए ना बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें ना सबसे पहले अपन को एक्टिव स्किल में यूज करना है डिमित्री, और पैसिव स्किल में अपन को यूज करना है थीवा। थीवा से अपना टीममेट कुछ पॉइंट सेकंड में ही रिवाइव हो जाता है, और उसी के साथ अपन को यूज करना है सोनिया। सोनिया से होगा ये कि आपको 3 सेकंड का मौका मिलेगा, जिससे मैं आप ना आराम से अपना डिमित्री लगा के रिवाइव खुद से ही रिवाइव हो सकते हो। और थर्ड स्लॉट में ना मैं अभी के टाइम पर मोको यूज कर रहा हूँ, आप मोको की जगह कुछ भी और कैरेक्टर यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अपन इस कैरेक्टर से भी अपन 2-3 क्लिप देख लेते हैं। तो इस क्लिप में ना एक बंदा मेरे टीममेट पे रश कर रहा होता है, जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, पर वो मेरे टीममेट को इजीली नॉक कर लेता है। तो मैं उसको फिर भी डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, और मैं उसके पास जाके ना फटाफट से डिमित्री लगा देता हूँ, और देखते देखते उस बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो डिमित्री कितना परफेक्ट यूज हुआ है। तो आपको हमेशा ना अपने टीममेट के ऊपर ही डिमित्री को यूज करना है, अपने ऊपर बहुत कम, अगर आपका टीममेट आपसे बहुत ज्यादा ही दूर है जब जाके आप अपने ऊपर यूज कर सकते हो, वरना मत करना। तो इस वाली क्लिप में भी देखो मैं ना नीचे की तरफ एक बंदा है जिसको मैंने डाउन करा, और दूसरा बंदा आया उसको भी डाउन किया। तो यहाँ पे मेरे 2 टीम में डाउन हो गए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से डिमित्री लगाया, और देखते देखते ना उस वाले बंदे को भी थोड़ा सा डैमेज दिया, और इधर आके आराम से उसको भी नॉक कर दिया, और देखते देखते एक लास्ट बंदा बचा था उसको भी इजीली हेडशॉट मार के फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे भी देखो कितना परफेक्ट यूज हुआ डिमित्री कैरेक्टर का। तो आपको भी ऐसे यूज करना है, बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी आपके टीममेट हो वहाँ जाके आपको उनके पीछे ही रहना है, उनके कवर में रहना है, और जैसे वो कुछ नॉक या फिर फाइट ले रहे हो तो आपको उनके पास जाके सिंपली से क्या करना है, आपको अपना डिमित्री ऑन कर देना है बस। तो चलो अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि ज्यादातर नेड ही करते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना एक्टिव स्किल में लेना क्लू, जो कि आपको है ना एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगी, और आपको है ना पैसिव स्किल में लेना है सबसे पहले एलवारो। एलवारो क्या करता है, एलवारो ना नेड का डैमेज बढ़ा देता है, ठीक है। और अपन को है ना सेकंड पैसिव स्लॉट में लेना है मोको। इस पूरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में ना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, ठीक है। मोको तो लेना ही लेना, तो मोको से आपको यही पता है अगर आप भी एक भी गोली मारोगे तो उस पर मोको बनी आ जाएगी। उसके बाद आपको ना नेड करने में इतना ईजी होगा, आराम से आप उस बंदे को डाउन कर पाओगे। तो अपन को थर्ड पैसिव स्लॉट में लेना है ओथो कैरेक्टर। ओथो कैरेक्टर जब भी आप है ना किसी भी एक एनिमी को डाउन करोगे तो है ना उसके जितनी भी रेंज होती है उसके अंदर जो भी बंदा होगा ना उसके ऊपर तो एक तो मोको आ जाएगी, और ऊपर से ना उसकी ना स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो ये कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ। तो आओ अपन इसकी भी थोड़ी बहुत क्लिप देख लेते कि अपन को इसको कैसे यूज करना है गेम के अंदर। तो देखो जैसे आपका राउंड स्टार्ट होना, आप ना 10 सेकंड के बाद अपनी एक्टिव स्किल को यूज करो, क्लू को यूज करो। तो आपको जैसी बंदों की लोकेशन पता लगे तो आप वहां पे ना इजीली पहले ही नेड फेंक दो, तो उससे ना कंफर्म एक ना एक तो डाउन हो ही जाएगा। तो जैसे यहाँ पे भी देखो क्लिप में ना वो बंदा डाउन हो गया इजीली, बट उसके बाद डिमित्री था वो बंदा रिवाइव करता है, उसका टीममेट आके ग्लू वॉल लगा देता है, पर है ना उसके नीचे से वो बंदा दिख रहा था तो मैं उसको वापस डाउन कर देता हूँ, देखते देखते उसको भी फिनिश कर देता हूँ, और मेरे टीममेट है ना जो वो बंदा ग्लू लगाने आया था उसको भी फिनिश कर देता है। तो देखते देखते हम वाला राउंड भी जीत जाते हैं। और अगर आपको इस कैरेक्टर की और भी थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह देखनी है तो आप है ना मेरे 1 मंथ पहले जाके आपकी जो भी वीडियो है ना मेरी वो जाके चेकआउट करो, तो आपको है ना वहाँ पे और भी पूरे डिटेल से आपको पता लग जाएगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है। तो यही थे आज के टॉप 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, आपको बताना कौन से अच्छे लगे, और अगर आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करते हो तो आप इजीली हीरोइक टू ग्रैंड मास्टर कर लोगे, वो भी बहुत आराम से। और हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें ना एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको वाला आइडिया भी कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आप नए आ रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया तो दोनों जगह पे कर लेना, आपको दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके वहां से आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खत्म।